जीएसटी ने ना मेरे 18-20 हज़ार रुपए खा लिए कम से कम। इस वीडियो की जगह आपने वीडियो देखनी थी वो थी जीआर वर्सेस जीएस या फिर जीआर टूरिंग रेडी इस तरह की, लेकिन चूंकि बारिश हो गई है तो ऐसे ही है। वहाँ तो हम शूट करने आए थे और बारिश शुरू हो गई तो सब जो है ना वो भीग भाग गया है और शूटिंग कैंसिल हो गई। अब हम यहाँ रोज़ा खोलेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। और ये देखें आप, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या सेटअप है? ये सेटअप ऐसी ही है कोई की भाई, नहीं चार हेलमेट पड़े हैं सर, ये जिंदाबाद, इसे कहते हैं जुगाड़। ओए रोड, मैं पानी की छोटी बोतल ले लेता हूँ फिर। दो दो समोसे, चिकन समोसा इनका खाने वाला है। कितने का था आलू वाला? 24 रुपए का आलू वाला और पार्टी अच्छी है ना, 50 रुपए का चिकन वाला, 50 लेकिन साइज भी छोटा है ना। फिर समोसा देखते हैं ना कितना बड़ा समोसा है, चिकन वाला इतना था। आसान भाई, टूर करना है हमने, बचत करनी है। हाँ पिज्ज़ा मैं बताता हूँ। हाँ परसों ऐसे हुआ कि रात को मैं राइड में निकला हूँ और मीटअप था सैरी के लिए ना, और हमारे बेहतरीन सब्सक्राइबर्स ये देख रहे हैं आप, मुझे डिच करवाया उन्होंने और कुछ जो है ना ये पार्क वेंचर्स के मीटअप पर पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो नहीं ऐसे पार्क वेंचर्स की मैंने वीडियो देखी आज, कमाल की बलूचिस्तान वाला जो प्रोमो उनका आया ना ज़बरदस्त। आप में से किसी का नान खाने का मूड है समोसे के साथ? नहीं, समोसे के साथ नान? समोसे के साथ नान कौन खाता है? नान के अंदर समोसे को डालें, रोल करें, फिर ऐसे रोल करें, जंगली हो जाए उसके साथ। क्या ये? अच्छा वजी, पोटो और बाइकर्स हैं वजी। मुबारक हो, तुमने अपना चैनल बना लिया यार, हैं? अभी जाके मैं ना वीडियो देखूंगा इसे। तो यार चिकन समोसा, एक आलू वाला समोसा राट दिया, और बाहर का मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया। भाई बोल रहे हैं कि ये हेलमेट बहुत भारी है, ये फर्क है। अब जरा इनको ये भारी और हल्के में जरा फर्क बताए। वजन तो फिर आपकी नेक के लिए भी, नेक के लिए मैं इस पे तकरीबन 5-6 घंटे भी लगातार पहने। आप पहन लेते हैं, जब आप अच्छी चीज पहनेंगे ना, ये लाइट चीज, फिर आपको पता लगेगा। अब लाइट चीज पहनेंगे ना तो फिर आपको अंदाजा हो, ये 20 हज़ार भरना पड़ेगा। नहीं तो ये आपकी GS 1500 CC जो है, अब इस पे आपने पैसे भर लिए हैं तो हेलमेट भी एक हो रहा है। और जो बंदा GS लेना चाहता है उस बंदे के लिए है कि GS या तो लेना, अगर ले तो इसके ऊपर अच्छी खासी मॉडिफिकेशन करेगा फिर ये चलने के काबिल। इस पर हमने वीडियो बनानी है पूरी, आपने पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपने इससे क्या क्या किया। ठीक है, ये देखे ना सीट को भी, इसमें कोई काफ़ी कुछ। GS लेना मेरे 18-20 हज़ार रुपए खा लिए कम से कम अभी तक। नई GS निकलवाते ही बाइक से हालत में अच्छी लगती हैं, गंदी बेहतरीन, सबसे प्यारी लगती हैं बाइक्स ऐसी। ये देखिए भाई ने चार्जर लगाया हुआ, पोर्ट्स लगी हुई हैं और किल स्विच भी है, नहीं किल स्विच नहीं है, ये रॉकेट लॉन्चर निकलता है इससे। वेल मेरे ख्याल से इतना काफ़ी आज की वीडियो के लिए। अभी जाते हुए काफ़ी अंधेरा होगा तो मैं आपको क्या दिखाऊँगा। हाँ तो बस यहाँ से निकलेंगे और घर जाएंगे, घर जाकर एडिट करेंगे। रमज़ान का जो 30 वीडियोस चैलेंज है ना वो बड़ा हैवी पार्ट है, मेरे हैवी सेवी किस्म का हैवी पार्ट है।
आओ सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर दें। तो बॉयज़ डेट्स इट फॉर आज की इफ्तारी। और यहाँ लड़ाई हो रही है यार, क्यों लड़ते हैं लोग रमज़ान में भी? शर्टें वर्टें फट गई हैं, शर्टें वर्टें फट गई हैं भाई की। चलो अब निकलते हैं बस। आई होप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। बस खाना शाना ही खाया, रोज़े ही खोला इसमें तो और तो कुछ नहीं किया। घर चलते हैं और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल की वीडियो में। अंटिल देन, डॉल्फिन जिंदाबाद।